साल ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। ऑफकोर्स कोरोना वायरस का इस लिस्ट में नाम सबसे पहले आता है। आज भी हम उस वायरस से जूझ रहे हैं और ना जाने कितने समय तक हम उस बीमारी के साथ जूझते रहेंगे। पर एक बीमारी ऐसी भी है जो अनलाइक कोरोना वायरस हमारे इंडिया में बहुत टाइम से फैली है, पर पता नहीं क्यों लोग स्पेशली लीगल अथॉरिटीज ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि क्या ऐसी भी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, हमें तो पता ही नहीं था। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स। ड्रग्स के नाम पे फिल्में बन चुकी हैं। हर साल न्यू ईयर के दिन कोई ना कोई रेज में ड्रग कंजम्पशन पाया ही जाता है। खुद बॉलीवुड ने अपने फिल्म फैशन और पेज 3 द्वारा ये एक्सेप्ट किया है कि बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग हैवीली कंज्यूम होता है। तो सवाल ये है कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आंखें आज जाके क्यों खुली, और खुली भी तो इस तरह कि बॉलीवुड का हर दूसरा सितारा उनके निशाने पे है। एनसीबी का ये नया रवैया उतना ही शॉकिंग है हमारे लिए जब 5 साल केस लड़ने के बाद सलमान खान ने ये बयान दिया, एक्चुअली उस रात को गाड़ी मैं चला ही नहीं रहा था। हम ये नहीं कह रहे कि एनसीबी जो कर रही है वो गलत है। एनसीबी के इस स्ट्रिक्ट एक्शन से अगर बॉलीवुड से ड्रग्स का पूरी तरह से नामो निशान खत्म हो जाता है तो इससे अच्छा क्या होगा। न जाने कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स को ड्रग्स के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ड्रग्स कंज्यूम करना हैज नाउ बिकम सच एन ओ कूल थिंग कि जो ये कहते हैं कि ड्रग्स कंज्यूम करना गलत बात है लोग उन्हें ही गलत नजरिए से देखने लगते हैं। पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हर चीज पे बॉलीवुड को निशाना बनाना सही है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 15 साल का एक युवक जो ड्रग्स या वीड कंज्यूम करता है उसे भी ये पता है कि उसके गली के किस नुक्कड़ पे वीड या फिर दूसरे ड्रग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यही नहीं, इन चीजों का एक कोड भी होता है। ये चीजें इतनी इजीली मार्केट में अवेलेबल है कि उनका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और इजीली होता है। तो सवाल ये है कि एनसीबी ड्रग्स को सिर्फ बॉलीवुड तक ही क्यों सीमित रख रही है, जबकि वो खुद ये बात अच्छे से जानती है कि आज ड्रग्स हर जगह इजीली अवेलेबल है। शायद इसके लिए जिनका नाम होता है उन्हें बदनाम करना भी बहुत आसान होता है। तो मेरी एनसीबी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बेशक बॉलीवुड से ड्रग्स नाम की इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, पर ये ना भूले कि इस बीमारी से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है। तो बॉलीवुड से अपनी नजर थोड़ी सी हटा के हमारे देश के यंगस्टर्स पे भी डालें, ड्रग्स को एक सीरियस इशू की तरह ट्रीट करें और इसे किसी इंडस्ट्री तक सीमित ना रखें।